नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। आज डाई हार्ड एनिमे फैंस के लिए मैं वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमे सीरीज वाले वीडियो का फोर्थ पार्ट लेकर आया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट शॉर्ट एनिमे शोज। डेथ नोट, द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड और ब्लू एग्जॉसिस्ट, ये तीनों अमेजिंग शॉर्ट एनिमेस पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुका हूं, तो इस वीडियो में इन्हें इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों, बेस्ट शॉर्ट एनिमेज की लिस्ट के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्वेरीज के लिए और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है पैरानोया एजेंट। ये एक हॉरर ड्रामा एनिमे है जो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इस एनिमे की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स टच ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। इस एनिमे में हम देखते हैं कि टोक्यो शहर में कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एक व्यक्ति शहर के सिटीजन्स को बेसबॉल बैट से अटैक कर रहा है। अब डिटेक्टिव्स और पुलिस इस अटैकर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस शो में दिखाई गई ये चीज़ आपकी सोच से बहुत आगे है, जिसे प्रिडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, इस एनिमे का बेस्ट पार्ट है कि इसमें हर कैरेक्टर स्टोरी का फोकस पॉइंट बनता है और उनकी सीक्रेट लाइफ की डिटेल्स व्यूअर्स के सामने रखी जाती है। तो इस इंटरेस्टिंग एनिमे को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसमें टोटल 13 एपिसोड्स हैं। नंबर 9 पर है एर्गो प्रॉक्सी। ये एक साइबरपंक एक्शन एडवेंचर एनिमे है जो अमेजिंग एक्शन और हाई टेक साइबरपंक विजुअल्स आपको दिखाएगा। सीरीज की स्टोरी फ्यूचर की एक पोस्ट अपोकलिप्टिक सिटी में सेट है। जब एक इकोलॉजिकल डिजास्टर के बाद आउटसाइड वर्ल्ड लाइफ के लिए इनहॉस्पिटेबल हो गया है, तब इस सिटी को बनाया गया है। इस सिटी में ह्यूमंस और एंड्रॉइड्स पीसफुली रहते हैं। अब इस सिटी में होने वाले कुछ डिस्टर्बिंग स्ट्रेंज इंसिडेंट्स इस सिंपल सी स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। 2006 में रिलीज हुए इस एनिमे का एक ही सीजन है, जिसमें टोटल 23 एपिसोड्स हैं और ये नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल हैं। नंबर 8 पर है समुराई चैम्पलू। ये एक एक्शन एडवेंचर एनिमे है जो एनिमे वर्ल्ड में कुछ नया आपको दिखाएगा। इस एनिमे में सुपर पावर वाली फाइट्स नहीं, बल्कि रियल कॉम्बैट फाइट्स और एक्शन आपको मिलेगा। इस एनिमे की सिंपल सी स्टोरी एक एडवेंचरस जर्नी पर बेस्ड है और मेनली 3 कैरेक्टर्स पर सेंटर्ड है। स्टोरी हमें दिखाती है कि एक वेट्रेस 2 मास्टर स्वॉर्ड्समैन को उनके एग्जीक्यूशन से बचाती है, ताकि ये दोनों एक स्पेशल टास्क में उसकी हेल्प कर सके। अब ये स्पेशल टास्क क्या है और इसे कंप्लीट करने के लिए लीड कैरेक्टर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये आप शो देखकर पता लगाइए। इस एनिमे का एक ही सीजन है, जिसमें टोटल 26 एपिसोड्स हैं। नंबर 7 पर है इरेज्ड। ये एक फैंटेसी ड्रामा एनिमे है, जिसमें मर्डर मिस्ट्री को टाइम ट्रेवल के साथ मिक्स करके प्रेजेंट किया गया है। अपने रिलीज टाइम पर यह एनिमे इतना पॉपुलर नहीं रहा था, लेकिन इसके कंसेप्ट और स्टोरी की वजह से इसे अब नोटिस किया जा रहा है। इस एनिमे की इंटरेस्टिंग स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है, जो अनइंटेंशनली टाइम में 18 ईयर्स पीछे चला जाता है, और वहां उसे अपने मदर के मर्डर और कुछ किडनैपिंग्स के बीच का कनेक्शन मिलता है। दोस्तों, ये अननोटिस्ड शॉर्ट एनिमे आप सभी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं, तो बहुत कम टाइम में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप एंजॉय कर पाओगे। नंबर 6 पर है किल ला किल। ये एक अमेजिंग एक्शन कॉमेडी एनिमे है, जिसमें सुपर पावर्स, मर्डर मिस्ट्री, रिवेंज और अमेजिंग फाइट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। इस एनिमे की स्टोरी एक ऐसे हाई स्कूल में सेट है, जहां स्टूडेंट्स को एक स्पेशल यूनिफॉर्म, गोकू यूनिफॉर्म दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को सुपर पावर मिलती है। लेकिन शो का रियल थ्रिल और एक्शन तब शुरू होता है जब इस हाई स्कूल में लीड कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसके बाद जो होता है शो में, वो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और आपको गूज़बम्प्स देने वाला है। दोस्तों, बेस्ट स्टोरी के साथ ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन एनिमे है और आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस एनिमे का एक सीजन है, जिसमें 25 एपिसोड्स आपको मिलेंगे। नंबर 5 पर है गुरन लगैन। ये एक एक्शन एडवेंचर एनिमे है जो अमेजिंग वॉर और बैटल आपको दिखाएगा। इसके फाइट सीन्स वाकई बहुत कमाल के हैं। इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर्स और ह्यूमंस अंडरग्राउंड रहने पर मजबूर हो जाते हैं, जब अर्थ के सरफेस पर स्पाइरल किंग और उसके बीस्टमैन राज करने लगते हैं। अब लीड कैरेक्टर्स का अर्थ की सरफेस पर वापस जाने का सपना तब सच होने लगता है, जब एक जायंट सडनली उनके अंडरग्राउंड होम में आता है। अब ह्यूमंस अपने ओल्ड होम को वापस पाने के लिए क्या करते हैं, ये आप एनिमे देखकर पता लगाइए। 2007 में एयर हुए इस एनिमे शो का एक ही सीजन है, जिसमें 27 एपिसोड्स हैं और ये नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है FLCL। ये एक एक्शन कॉमेडी एनिमे है जो एनिमे फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर भी है। इसकी स्टोरी और कंसेप्ट यूनिक और इंटरेस्टिंग है। ये शो एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी हमारे सामने रखता है, जो 12 ईयर ओल्ड एक वर्किंग क्लास बॉय पर सेंटर्ड है, जो अपने फादर और ग्रैंडफादर के साथ पीसफुली रहता है। इस यंग बॉय की लाइफ तब चेंज हो जाती है, जब ये एक स्ट्रेंज वूमन से मिलता है, और इस मीटिंग के बाद इसके साथ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स होने लगते हैं। दोस्तों, ये अमेजिंग शॉर्ट एनिमे आप सभी को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसका एक सीजन है, जिसमें 6 एपिसोड्स हैं। FLCL प्रोग्रेसिव और FLCL अल्टरनेटिव इसकी सीक्वल सीरीज है। आप इन्हें इसके नेक्स्ट सीजन भी कह सकते हैं। इन दोनों सीरीज में 6 एपिसोड्स आपको मिलेंगे। नंबर 3 पर है द फ्यूचर डायरी। ये एक एक्शन थ्रिलर एनिमे है जो अभी अंडररेटेड और अननोटिस्ड है, और टोटली फ्रेश और अमेजिंग स्टोरी लाइन के बाद भी ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इस एनिमे की स्टोरी एक लोनली हाई स्कूल स्टूडेंट को फॉलो करती है, जो एक सेलफोन डायरी में सारे इंसिडेंट्स नोट करता है। अब कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि लीड कैरेक्टर को उसी की तरह डायरी मेंटेन करने वाले 11 लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना होता है।
अब ये कॉम्पिटिशन किस बारे में है और लीड कैरेक्टर की डायरी में क्या स्पेशल है, ये इस एनिमे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। आप खुद एनिमे देख कर ये डिस्कवर कीजिए। इस एनिमे को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड और माइंड बेंडिंग है। इस एनिमे का एक ही सीजन है जिसमें 26 एपिसोड्स हैं और ये जैपनीज लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है मॉब साइको 100। ये एक एक्शन एडवेंचर एनिमे है जो सुपर हीरो एनिमे लवर्स को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसके लीड कैरेक्टर की पावर्स वांडा और हल्क से मिलती है। वांडा की तरह लीड कैरेक्टर के पास टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं और हल्क की तरह जब उसे गुस्सा आता है तब वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। सीरीज की स्टोरी लीड कैरेक्टर मॉब को फॉलो करती है जिसके पास साइकिक पावर्स हैं और वो अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखकर एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाता है। एनिमे का रियल एक्शन तब शुरू होता है जब मॉब जैसे ही सेम पावर्स वाले लोग उससे फाइट करने आते हैं। दोस्तों, इसका एनिमेशन थोड़ा डल लग सकता है आपको, लेकिन बेस्ट स्टोरी के लिए ये एनिमे आपको जरूर देखना चाहिए। इस एनिमे के 2 सीजन है जिसमें टोटल 25 एपिसोड्स हैं और ये जैपनीज लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 1 पर है काउबॉय बेबॉप। ये एक साइफाई एक्शन एनिमे है जो 90s में रिलीज हुआ था, लेकिन आज भी इस क्लासिक एनिमे को बहुत पसंद किया जाता है। ये क्लासिक एनिमे बहुत सारे जॉनर्स कवर करता है, लेकिन मोस्टली इसमें साइफाई और वेस्टर्न थीम आपको मिलेगी। इस एनिमे की इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्यूचर ईयर 2071 में सेट है और कुछ बाउंटी हंटर्स की लाइफ को फॉलो करती है जो हाई पेड जॉब्स के लिए डिफरेंट गैलेक्सीज में ट्रेवल करते हैं अपने स्पेसशिप बेबॉप में। दोस्तों, ये एनिमे क्रिटिकली और कॉमर्शियली बहुत सक्सेसफुल रहा था और क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये मास्टरपीस एनिमे है जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम का टाइटल मिला है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको ये एनिमे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें टोटल 26 एपिसोड्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट एनिमे जो आपको एक बार तो जरूर ट्राई करने चाहिए। और भी एनिमेज की लिस्ट के लिए इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1, 2 और 3 भी आपको जरूर देखने चाहिए। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो की लिस्ट, सिनेमा न्यूज फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए आप द चॉइस बॉक्स के इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर करके और भी एनिमे लवर्स तक पहुंचाइए। एनिमे की बेस्ट चॉइसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।